तो साजिश का पत्थर आखिर किसने मारा, ये एक बड़ा सवाल। और इस चर्चा में लगातार हमारे खास मेहमान अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं और रवि पराशरम, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर सभी पूछ रहे हैं कि अगर इस देश में हिंसा फैल रही है, वो रोकी नहीं जा पा रही, गलत मैसेज अगर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो देखिए सीधा सीधा सरकार से सवाल होगा, क्योंकि ये फेलियर है। हिंसा भड़कने दी गई या फिर उसे रोक नहीं पाए, पूछा जाएगा सवाल। बिल्कुल, सवाल पूछा जाना चाहिए, उसमें कहाँ कोई एक भारत का नागरिक और अपने देश से प्यार करने वाला इंसान होने के नाते मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि आप सवाल मत पूछिए और सरकार से मत पूछिए। सवाल ये है कि आप सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो फिर समस्या होगी। सिलेक्टिव अप्रोच मतलब किसी के साथ कुछ हो जाए तब आपका उसी घटना को लेकर एक अलग नजरिया रहता है, दूसरे आपके धर्म के मानने वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपका एक अलग नजरिया रहता है। नजरिया एक रखिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि न कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, सारे धर्म नफरत नहीं सिखाते, प्यार सिखाते हैं। फिर ये नफरत वाला माहौल देश में कौन बना रहा है? आप शीरिन जानती हैं कि टेलीविजन चैनल में प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जिसे PCR कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये कानपुर से उठा हुआ नहीं है। कानपुर को एक आइसोलेशन में रखकर मत देखिए। 19 जनवरी मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको, 19 जनवरी 1990 जब कश्मीर घाटी में हथियारबंद आतंकवाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर उगलने लगा, 19 जनवरी को कौन सा दिन था? वो शुक्रवार था। 19 जनवरी को की शाम को जुमे की नमाज के बाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो लाउडस्पीकर्स पे घोषणाएं की गई, दिल दहला देने वाली, उसके बाद वारदात की गई। और उसके बाद आपको याद होगा कि हर शुक्रवार को एक BBC और विदेशी मीडिया कुछ एक जगह पे रुकते थे और वहां पर फिर वो फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जो कश्मीरी पंडित का जो वादा किया था बीजेपी ने, उन्हें घर वापस करने का, घर वापसी का, वो वादा कहाँ है उनका? जवाब फिर लिंचिंग हो रही है, जवाब सुनिए ना। आज दोनों आप रहने दीजिए कश्मीरी पंडितों को, आज बात कर मैं खत्म कर रहा हूँ। वो पैटर्न समझ में आ रहा है, वो मुझे ये कहना था। अब आप आइए भारतीय संविधान, IPC और CRPC की बात, जो आप लोग कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो, तो एक FIR हो गई, एक प्रोसीजर होता। आपको याद होगा बंबई पर अटैक हुआ, कसाब बाकायदा लोगों की हत्या करते हुए, सबने देखा, एविडेंट था, उसको गिरफ्तारी हुई। लेकिन भारतीय अदालती जो प्रक्रिया है उसकी महानता ये है कि चाहे कोई 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता पर जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, भारतीय संविधान पर, रवि पराशर की आप नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते, उनके खिलाफ उन्हें ना जेल में बंद किया जाता, ना उनके किसी घर को तोड़ा जाता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी लोग कह रहे हैं जो आपके पैनलिस्ट हैं। भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है। अब ये मैं थोड़े आपको कुछ कर सकता हूँ, संविधान पर भरोसा है। ये संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात कहने का। आप कहते रहिए, ठीक है, हम कहते रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, उनका नाम है डॉक्टर सुलभ मणि त्रिपाठी जी, वो ट्वीट करते हैं एक वीडियो, जो पुलिस की मौजूदगी, जब पुलिस जो दंगई थे उन्हें लेकर थाने में आती है, उनकी बाकायदा उन्हें पीटते हुए की वीडियो बनाई जाती है और फिर उसे ट्वीट किया जाता है एक समुदाय को खुश करने के लिए, ये कहां तक जाएंगे? मैं रंगेश भाई थोड़ा साथ में, मैं बजाय घी के एक डोंगा पानी डालने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा है शीरिन, आपने शुरू में एक बात कही, आग लगा कर पानी डालते हैं। मैं अर्ज कर लूं, मैं अर्ज कर लूं, हाथ जोड़ के आप मेरे छोटे भाई, मैं कह लूं ना थोड़ा सा, कितना वक्त है मुझे, सिर्फ आप 10 सेकंड दे दीजिए अभी। शीरिन आपने शुरू में एक बात कही, रंगरेज साहब देखिए, मैं कह रहा लेट अस नॉट हैव दिस प्रेशर कुकर एग्जेशन। मैं बड़ी ठंडक में बात करना चाहता हूं, आप सब मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं बात तो कही नहीं, सबकी बात कह रहा हूं, ये बात बड़ा हुआ आज आप बोले, आप कह दीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जो ये है मार दीजिए, ये गलत है, सरकारों को गोली मारो सालों को, जब उन पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उनके मकान को गलत है, मकान पे बुलडोजर नहीं चलता, बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुन लीजिए, सवाल पूछने हैं तो जवाब भी सुनिए ना, सुन लीजिए। आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं आपकी बात भी बोलिए, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, इन दोनों पक्ष पे भी, मैं उस पे बोल रहा हूँ, एक मिनट, सब
अंबर प्लीज ठीक है। अरे तो मुझे तो बोलने दो, छुपा दिए उनको। देखो ऐसा है, मैं देखिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि नुपुर ने और उसने जिंदल ने माफी मांग ली, बहुत गलत काम किया उन्होंने और ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो फ्रांस में हुआ हो, चाहे वो डेनिश कार्टून ने किया हो, चाहे वो तस्लीम किसी ने भी, कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को कोई जरा से भी आंच आती है, जान पहले देने को तैयार होता है फिर लेने को तैयार होता है। ठीक है, बिल्कुल आपने, लेकिन जब माफी मांग ली, माफी का कुरान में लिखा है उफ्फू अन्नहू, उफ्फू अन्नहू का मतलब है कि पार्डन हिम या पार्डन हर, यानी अल्लाह ने भी ये कहा है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सुन लीजिए मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, सज़ा दे दो या माफ़ कर दो, तो अगर आप सज़ा दोगे दे दो, कोई बात नहीं, अगर माफ़ करोगे मेरे लिए माफ़ी का दर्जा अफजल और बेहतर है। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब रही बात कि भाई उनको गिरफ्तार करो, मैं कहता हूँ गिरफ्तार कर लो, मैं कहता हूँ दोनों को गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दो, ये एक लीगल प्रोसीजर है, भीड़ तंत्र से सॉल्व होने वाला नहीं है ये सुनिए सुनिए, ये भीड़ तंत्र से नहीं होगा। आप जाइए, आप अदालत में जाइए और जाके कहिए इसको फांसी पे लटका दो, नुपुर को और जिंदल को। आप हिंदुस्तान के आजाद बाशिंदे हैं, अदालत में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहिए कि इनको गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि इन्होंने हमारे जिलों की आजादी के लिए प्रॉफिट उनके लिए, हम उनके लिए जान देने और लेने को तैयार हैं, लेकिन ये भी गैर इस्लामी है। देखिए ये जो नारा है, सुनिए, सरतन से जुदा गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है, बिल्कुल सही, गैर इंसानी है। ठीक है एक एक करके चलिए अंबर जदी, ठीक है आप कम से कम यहाँ पे तो आप तरीके से शौर के साथ बात रख लीजिए, एक बोलता है सारे के सारे एक साथ बोलने लगते हैं। अच्छा, मुझे किसी की बात, किसी का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है यार, हर कोई अलग ट्रैक पे चल रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज कम से कम जिस स्थिति में, जिस दौर में देश है, ऐसे वक्त में आप इधर उधर की या आग लगाने वाली या भड़काने वाली बात ना कीजिए। हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने तो जो भड़काने का काम किया है लोगों को, उसका खमियाजा हम देख रहे हैं कि देश का जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान, उसको भरना पड़ता है। रंगरेज साहब, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ ना, वरना मैं बोलने नहीं दूंगी फिर किसी को, बोलने नहीं दूंगी। यार आप लोग सारे के सारे इतने सब मुझे बड़ा सबसे ज्यादा जाहिल लगा रहे हो यार। नहीं नहीं, तमीज नाम की कोई चीज नहीं, मैं बोल रही हूं कि बात नहीं करो हमारा, नहीं तो मैं इतनी देर से पेशेंटली वेट कर रही हूं, पूरी करो, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलती। आप बात पूरी करो रंगरेज भाई, प्लीज बोल रखने नहीं देते हो, ठीक है प्लीज एक एक करके बात रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग ये कह रहे हो ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप निष्पक्ष हो, आप पे जुल्म हो रहा है, लेकिन आप अपने उन धर्म गुरुओं की भी तो बात करो जो जनता को भड़का कर सड़कों पे उतर कर पत्थरबाज बनाते हैं, गुलाम सरवर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या आप मदनी के खिलाफ आवाज उठाओ, ओवैसी के खिलाफ आवाज उठाओ, ड्रामा करके सर पे कफन बांध के खड़ा हुआ है, मुसलमानों को कटवा कर मरवा रहे, अपने बच्चों को उतारे ना सड़क पर, उनके सर पे कफन बांध जवाब दीजिए। एक सेकंड एक बहुत अहम बात कहना, आपकी इजाजत से मैं हाथ जोड़ के, देखिए अंबर ने बिल्कुल सही कहा, सुनिए शेरिन मेरी बात सुन लीजिए, अंबर ने बिल्कुल सही कहा, छोटे छोटे बच्चों को भड़का के, एक सेकंड, दो बच्चे मारे गए, एक मिनट अंबर, अंबर प्लीज हैव पेशेंस यार, दूसरों को कहती हो तो हम, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, मैं आपने बात कह ली अपनी, आपकी आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, सुनिए, दो बच्चे मारे गए वहां रांची में, सुनिए मेरी बात, एक तो था बेचारा प्याज बेचने वाला, एक था होटल में रोटी लगाने वाला, उनके घरों की हालत हो गई। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये नेता चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो ओबैसी बिरादरान हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, आगे आइए आप खाइए गोलियां, आप पुलिस की गोलियां खाइए, मासूम बच्चों को क्यों मरवाते हैं, नौजवानों को, उनकी फैमिलीज को क्यों खत्म करवाते हैं। बहन को जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम जैसा भाई उनके साथ खड़ा है, आप पढ़ी लिखी हो, आप इतने जज्बाती होकर आपने बात किया करो, आपके नेचर में नहीं था ये जो अभी दिख रहा था, आप इतना शालीनता से बात करने वाली है, आप मुद्दे पर को उकसाकर उस जो उसका नेचर नहीं उसे बाहर निकाल के नहीं, नहीं, बाहर निकलना बन जाते हो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे धर्म पे प्रहार हो रहा है, यार कम से कम
जो गलती करने को साता है ना, सामने वाले को मजबूर करता है, जो रिएक्ट करता है उसकी गलती नहीं होती है, जो साता है उसकी ज्यादा गलती होती है। भक्ति बात कीजिए, मैं बेचारी बन के आप लोगों को बोलने दूं तो बात पास वक्त नहीं। आप इतनी देर से क्यों कर करके बोल रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा था, इतना ही था। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सवाल पर हम बात नहीं करते, हम सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने का काम करते हैं कि आखिर ये पत्थर चल रहे हैं तो इनके पीछे कौन। सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।